तो कैसे आप लोग देखिए, आज है चौथा T20 आपका इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। अभी जो सीरीज़ का है, साउथ अफ्रीका दो जीती है, इंडिया एक। तो इंडिया का आज मस्ट विन है, जीतना, ठीक है। मैच आपका वही राजकोट में है, ठीक है। मतलब ये सारे इंडिया के ग्राउंड्स में आपको 160 के अबव ही स्कोर मिलता है, वो कितना जाता है मालूम नहीं, ठीक है। लास्ट मैच में भी हमने उतना ही देखा था, ठीक है। 180 तक का स्कोर बन गया था। पहले ODI में 200 था, सेकंड वाले में आपका 150 तक बना था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पिच थोड़ी सी आप बोल सकते हो टफ भी थी और इंडिया की बैटिंग भी पुअर थी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करती। अब मैं आगे से क्या करूँगा, लास्ट का 3 मैच जो हुआ है उस ग्राउंड पर उसका रिकॉर्ड बोला हो वो उस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। राजकोट में भी वही आपको रन स्कोरिंग रहेगी, और अभी तक यहाँ पर रिकॉर्ड ये रहा है कि जितने भी बैटिंग फर्स्ट किया है उन्होंने जीता है, क्योंकि स्कोर यहाँ हाई बनता है, ये देखा गया है, ठीक है। अब आते हैं साउथ अफ्रीका के T20 स्क्वाड की बात करें तो बहुत ही तगड़ी टीम है। इनके जो सबसे वीक लिंक है वो टेम्बा बावुमा है, मेरे हिसाब से इनको निकाल देना चाहिए। एडन मार्करम अवेलेबल नहीं है, और इसके अलावा इनकी टीम में कोई कमी नहीं है, सब के सब बड़े प्लेयर हैं और अच्छा खेल रहे हैं। हेनरिक क्लासेन ने दिखा दिया कि वो टाइटन्स के सबसे बड़े प्लेयर क्यों माने जाते हैं, ठीक है। और बाकी एक दिन क्विंटन डिकॉक का चलेगा, इंडिया का बैंड बच जाएगा, ठीक है। बाकी बॉलिंग में भी कोई कमी नहीं है, बहुत ही तगड़ी टीम है इनकी। और अगर इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग मेन है, बैटिंग इनकी थोड़ी सी वीक लगती है मेरे को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर्षल पटेल आपका आज मेरे हिसाब से तो हर्षदीप को खिलाना चाहिए, बाकी इनकी मर्जी है। भुवनेश्वर कुमार ही आवेश खान को मेरे हिसाब से निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो बाकी तो टीम में सच कोई कमी नहीं है। ये इंडिया की बी ग्रेड टीम है, हमेशा हम लोग को ये बात याद रखनी है। दिनेश कार्तिक ने अच्छा खेला था आपके सेकंड में, ठीक है। और श्रेयस अय्यर का भी परफॉर्मेंस अच्छा, ऋतुराज गायकवाड़ भी कंटिन्यूस खेलेंगे तो अच्छा खेलेंगे, बहुत ही शांत स्वभाव के क्रिकेटर हैं और बहुत बड़ी बड़ी पारी खेलते हैं, ठीक है। अभी डोमेस्टिक में तो पता नहीं कितना कंटिन्यूस सेंचुरी मार के आए थे। दीपक हुडा को खिलाना चाहिए, मैं अभी भी मानता हूँ दीपक हुडा हैश टू प्ले, ठीक है। अक्षर पटेल की जगह वो खेल सकते हैं, बाकी आज मेरे हिसाब से आज फिर वो यही करेंगे, नो चेंजेस रहेंगे, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा, आज के पिच में भी आपको रन बनते मिलेंगे। और अगर आज आप मेरे से बात करोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो तो देखते ही पता चलेगा। देखिए अभी के लिए तो मैं ये बोलूँगा 2-2, ठीक है। क्योंकि इंडिया इतनी आसानी से तो नहीं हारेगी, ठीक है। पहला भी जो हारी बहुत ही आप बोल सकते टक्कर दिया था, सेकंड में भी इंडिया ने काफ़ी टक्कर दिया था। इंडिया अभी तक दोनों, इंडिया अगर चेस करेगी तो फिर तो इंडिया का जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं साउथ अफ्रीका क्या करती है। तीनों ही मैच में इंडिया की पहली बैटिंग रही है। और इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कुबेरा फैंटेसी ऐप का, ठीक है। इसी को इधर भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पैसे बन सकते हैं, आपको सिर्फ एक प्लेयर लेना है। मैं देखिए इसकी बात नहीं करता, टीम सेलेक्शन की वो जो होता है उस सब चीज़ों पर मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, ना ही मैं खेलता हूँ ना ही मेरा मन करता है। मैं इसको ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसमें मैं फिर बता देता हूँ। जैसे आपने हर्षल पटेल को लिया, उसने एक बोल्ड मार दिया तो 33 पॉइंट उसको मिल जाएंगे। अगर उसने एक विकेट ले लिया तो 25 पॉइंट मिलेंगे। मतलब बोल्ड LBW का जो पूरा अकेले वो बंदा करता है उसको 33 पॉइंट मिलता है। अब आप सोच लो श्रेयस अय्यर बैटिंग करके उतना रन बनाना पड़ेगा, 25 से 30 रन, गायकवाड़ को रन बनाना पड़ेगा, ईशान किशन को भी रन बनाना पड़ेगा। और भुवनेश्वर, तो मैं ज़्यादा बॉलर को प्रेफर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बॉलर अगर 2 विकेट ले लेता है तो उसका पॉइंट 50+ हो जाता है, और बॉलर कभी कभी बैटिंग भी करने आ जाता है, ठीक है। 1-2 सिक्स भी मार सकते हैं नीचे में, और मैक्स टू मैक्स अगर बोल्ड कर लिया या 1-2 कैच कर लिया तो बैट्समैन के सामने उनका पलड़ा भारी हो जाता है। और ये सब तो डेप्थ बॉलर है, इनको 2-2 विकेट तो मिलने ही है। तो ट्राई कीजिए, जिनके पास श्रेयस अय्यर हो या जिनके पास ऋतुराज गायकवाड़ या ईशान किशन हो, उसके सामने आप ये लेने का ट्राई कीजिए, ठीक है। बॉलर्स में आपको बहुत मदद मिलेगी और आपको भी समझ में आएगा कि आप यहाँ पैसे बना लोगे, ठीक है। तो इतना ही है दोस्तों, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर बड़े प्लेयर की बात करें तो आज फिर आपको हर्षल पटेल विकेट लेते हुए मिल सकते हैं, ठीक है। और इनकी टीम में तो वही है, डेविड मिलर बहुत बड़े प्लेयर हैं, देखना पड़ेगा वो कितना रन आज भी बनाते हैं, और क्विंटन डिकॉक वगैरह, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, आज मैच और तगड़ा होगा। मैं आपको मिलूंगा 7-7:30 बजे, ठीक है, अपने टेलीग्राम पर। आप जिस भी लिंक पर ज्वाइन होंगे वहाँ जाकर मेरे मैनेजर को मैसेज कर लीजिएगा। और तो कुछ बोलना नहीं दोस्तों, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड ऑन ओन रिस्क।